इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का हुआ शुभारंभ। स्मार्टफोन पाकर खिले चेहरे, कैंपों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे स्मार्टफोन। नागौर, 10 अगस्त, सूचना क्रांति से महिलाओं और बालिकाओं को जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरुवार को महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत राजधानी जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई। राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में नए जिलों समेत प्रदेश के सभी जिलों के लाभार्थी उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण की शुरुआत गुरुवार को जिला मुख्यालय पर माडीबाई मिर्धा राजकीय कन्या महाविद्यालय से की गई। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन बटन दबाकर योजना का शुभारंभ किया तथा कार्यक्रम में उपस्थित स्मार्टफोन लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवगठित जिला डीडवाना कुचामन की बुजुर्ग महिला लाभार्थी केसरी देवी से भी संवाद किया। जिला मुख्यालय पर प्रथम दिन 100 महिला व छात्रा लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने चेनार के कुम्हारों का बास निवासी नैनी देवी व कॉलेज छात्राओं को स्मार्टफोन देकर स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत की। इसके बाद जिला कलेक्टर यादव ने आयोजित कैंप का अवलोकन किया तथा शिविर गतिविधियों की जानकारी भी ली। जिला कलेक्टर ने स्मार्टफोन वितरण के लिए लगाए गए काउंटर पर जाकर लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली तथा लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने शिविर में विद्युत, पेयजल, बैठक, पंजीयन, वितरण सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में आई महिला लाभार्थियों से संवाद करते हुए उनके अनुभव भी जाने। इस कार्यक्रम में प्रथम चरण में जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव के हाथों से स्मार्टफोन प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राएं विशेष रूप से उत्साहित नजर आई। छात्राओं ने बताया कि वे इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल ऑनलाइन कोचिंग एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु करेगी। लाभार्थियों को कैंप में ये दस्तावेज लाने होंगे आवश्यक। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक कुंभारामर रेलावत ने बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में लाभार्थियों को जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रथम चरण में चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रतिदिन SMS भेजकर व कॉल के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है। DBT के जरिए 6,800 रुपये होंगे ट्रांसफर। स्मार्टफोन लेने हेतु प्रथम चरण के लाभार्थियों को उनके जन आधार नंबर से ई वॉलेट जनरेट करते हुए DBT के माध्यम से उक्त वॉलेट में कुल 6,800 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके पश्चात लाभार्थी अपनी स्वेच्छा अनुसार शिविर में कियोस्क के जरिए स्मार्टफोन खरीद सकती है। स्मार्टफोन हेतु उन्हें किसी भी प्रकार की राशि घर से लाने की आवश्यकता नहीं है। केवल वांछित दस्तावेज के साथ कैंप में पहुंचकर योजना का लाभ लिया जा सकता है। स्मार्टफोन के साथ 9 माह की इंटरनेट डेटा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ये रहेगी व्यवस्था। शिविरों में सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण में 100 दिन 2022 पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया व इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन 2022-23 पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन का वितरण करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी, पूर्व मंत्री हबीबुर्रहमान, गांधी दर्शन समिति के जिला सह संयोजक व ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल भाटी, महासचिव दिलफराज खान, PCC सदस्य हनुमान बानगड़ा, नगर परिषद सभापति पायल गहलोत, जिला परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी दिलीप कुमार, नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया, उपखंड अधिकारी सुनील पनवार, जिला रसद अधिकारी अंकित पंचार, जिला खेल अधिकारी भवरराम सियाक सहित संबंधित अधिकारी, कार्मिक व लाभार्थी उपस्थित रहे। और फैसले क्या मिलते हैं, राजीव गांधी ने फैसला किया
ने सदैव संबोधन किया चौतरा चौतर मां वो क्रांति थी महिलाओं के लिए अब कल्पना कीजिए देश का सौभाग्य है यहाँ पर महिलाओं का महत्व है। राजीव गांधी ने आश्रम दिया महिलाओं को, कौन गांव में सरपंच बनती थी, गांव में सरपंच ही बना देते गांव, प्रधान प्रमुख की बात छोड़ो। अब जो है अपनी प्रधान प्रमुख मेयर नगर पार्षद आश्रम में दलितों का भी, पिछड़ों का भी, ट्राइबल का भी और महिलाओं का देख
चलो भाई स्मार्ट।